नमस्कार दोस्तों, EMFT लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में गॉस लॉ के बेसिस पे फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट कुछ ऐसे हैं, 3 पॉइंट चार्जेस 5 कूलम्स 10 कूलम्स एंड -8 कूलम्स आर लोकेटेड एट 3, 1, -4, 4, -1, 2, 7, 4 एंड 0। देखो बेटा, 3 चार्ज आपको दे रखे हैं, 5 कूलम, 10 कूलम एंड -8 कूलम्स। 5 कूलम चार्ज है 3, 1 एंड -4 पोजीशंस पे, 10 कूलम है 4, -1 एंड 2 पोजीशंस पे, और -8 कूलम्स है 7, 4 एंड 0 कूलम्स पे। इतनी सी इंफॉर्मेशन से पूछ रखा है कि फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस -5 ग्रेटर देन एक्स वाई जेड लेस देन 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी एक क्लोज्ड सरफेस है उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि उस क्लोज्ड सरफेस में एक्स वाई और जेड जो आपके कंपोनेंट होते हैं वो -5 और 5 के बीच में लाई करने चाहिए। यानी जो आपकी एक्स की लिमिट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, -5 से एक्स आपका +5 के बीच में होना चाहिए। ये है वो क्लोज्ड सरफेस जिसकी कंडीशंस हमें दी गई है। वाई में भी बेटा बिल्कुल सेम है कि वाई भी आपका -5 से 5 के बीच में ही लाई करे, उसी से वो आपकी क्लोज्ड सरफेस बनी हुई है। जेड में भी बिल्कुल सेम है कि -5 से आपका जो जेड है वो बड़ा है और 5 से वो कम है, राइट? तो ये कुछ ऐसा है, अगर इसको मैं 2D में एक्सप्लेन करूँ तो ये मेरा कोई एक्स है, अगर ये मेरा कोई वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। तो ये कहना चाहता है कि एक्स आपका -5 से 5 यानी इसके बीच में ही आपकी कोई क्लोज्ड सरफेस है। वाई भी अगर ऐसा ही है तो ये वाई, इसका मतलब इसके बीच में भी कोई क्लोज्ड सरफेस है। ऐसे ही आप हाइट पे भी डिस्कस कर सकते हो कि -5 से लेके +5 हाइट तक इनको मिला के आपका एक ऐसा डायरेक्शन, एक ऐसा क्यूब बनेगा जिसमें एक्स वाई और जेड -5 पॉइंट से लेके +5 पॉइंट तक ही चेंज हो सकते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट -6 है वो आपका इस क्लोज्ड सरफेस से बाहर हो जाएगा। यानी इफ एक्स पॉइंट अगर बेटा -5 से छोटा है तो पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड। इसी के साथ अगर एक्स पॉइंट बेटा आपका 5 से बड़ा है तब भी आपका क्या होगा, वो आउटसाइड होगा। सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड, राइट? तो वाई के केस में भी वाई भी आपका 5 से बड़ा है, आउटसाइड होगा। अगर -5 से छोटा है, आउटसाइड होगा। ऐसे ही बेटा जेड, जेड अगर आपका 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो जो चार्ज है वो इस क्लोज्ड सरफेस से बाहर चला जाएगा, तो वो आउटसाइड हो जाएगा। और अगर ये -5 से छोटा है तो भी वो क्लोज्ड सरफेस से पॉइंट हमारा बाहर होगा। तो ये मैंने बताया इस लाइन का मतलब अभी तक। अब हम गॉस लॉ की बात करते हैं। गॉस लॉ हमें कहता है कि को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज्ड सरफेस किसके बराबर होगा, वो उस चार्ज के बराबर होगा जो चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। तो पहला देख लीजिए, 5 कूलम्स। 5 कूलम्स की जो पोजीशंस हैं बेटा वो क्या हैं, देखिए 3, 1 एंड -4। यस, 3 आपका -5 और 5 के बीच में आता है, 1 ऑब्वियसली -5 एंड 5 के बीच में आता है, और -4 ऑब्वियसली -5 और 5 के बीच में आता है। इसका मतलब बेटा जो 5 कूलम का चार्ज है ये आपका क्लोज्ड सरफेस में है, क्लोज्ड सरफेस में ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब हम, ये तो हो गया हमारा पहला, अब हम बात करेंगे दूसरे चार्ज की। दूसरा क्या है, दूसरा है 10 कूलम्स। 10 कूलम का चार्ज है और इसकी जो पोजीशंस हैं वो हैं 4, -1 एंड 2। देखो बेटा, 4 -5 और 5 के बीच में लाई करेगा, -1 -5 और 5 के बीच में ही लाई करेगा, 2 -5 एंड 5 के बीच में ही लाई करेगा। इसका मतलब जो 10 कूलम का चार्ज है बेटा वो भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर ही है। यस, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी क्लोज्ड सरफेस,
ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो थर्ड चार्ज है उसके बारे में पता करेंगे। तीसरा चार्ज है बेटा -8 कूलम, -8 कूलम, और इसकी जो पोजीशंस हैं बच्चे वो क्या हैं, 7, 4 एंड 0। अब देखो बेटा, x=7, एक्स की क्लोज्ड सरफेस में एक्स की कंडीशंस क्या थी, एक्स आपका -5 से 5 तक ही चेंज हो सकता था, लेकिन बेटा 7 आपका 5 से बड़ा है, यानी ये जो चार्ज है, इस चार्ज की जो पोजीशन है एक्चुअल में क्लोज्ड सरफेस से बाहर की पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। समझ आया? तो अब एज पर दी गोसला हम क्या लिखेंगे, एज पर गोसला हम क्या लिखेंगे, जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो नेट चार्ज क्या है, 5 कूलम ऑब्वियसली इसके अंदर है, 5 प्लस 10 कूलम्स वो भी सरफेस के अंदर है, ठीक है। अगर -8 कूलम भी सरफेस के अंदर होता, मान लीजिए 7 की बजाय यहाँ 2 लिखा होता, 2, 4 एंड 0, तो ये आपका क्लोज सरफेस के अंदर आ जाता बेटे, तब हम इसको भी कंसिडर करते और यहाँ पे +8 लिख के टोटल चार्ज निकाल लेते, लेकिन अब ये आउटसाइड दी क्लोज सरफेस है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल जो चार्ज है वो 5 प्लस 10 चार्ज है जो इस क्लोज सरफेस के अंदर है एज पर दी गिवन कंडीशंस। तो नेट जो चार्ज है वो 15 कूलम का है, और जितना टोटल क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज है उतना ही हमारा टोटल फ्लक्स होता है एज पर दी गौसला। तो ये बेटा यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। तो आई होप ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेस्ड अपॉन गौसला, ये आपको इन डिटेल समझ आ गई होगी। इससे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी इसी लॉ के बेसिस पे हम सोल्व करेंगे। कोशिश करता हूँ मैं कि कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखाया जाए, फिर उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मल्टीपल टाइप्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कराई जाएँ, ताकि आप सब लोग हर टॉपिक पे कंफर्टेबल हो सकें और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो एक लास्ट में यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो भी इनका बेनिफिट्स उठा सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।